ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक लोग इसी अंदाज में रंगे दिख रहे हैं। मैं झुकेगा नहीं। अगर आपने पुष्पा मूवी नहीं देखी तो ये जान लीजिए, अल्लू अर्जुन ने उसमें एक चंदन तस्कर पुष्पा का शानदार किरदार निभाया है, जिसमें वह कहते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं। मैं झुकेगा नहीं। अल्लू अर्जुन के इसी अंदाज को कॉपी करते हुए एक चोर ने चंदन की तस्करी का प्लान बनाया। पुष्पा की तरह वो पुलिस से बचकर नहीं निकल सका, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई पर यूपी के शामली जिले की एसपी सुकीर्ति माधव मिश्रा ने जो ट्वीट किया है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रियल लाइफ में पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन रियल लाइफ में पुष्पा झुकेगा भी और धरा भी जाएगा। आईपीएस अधिकारी के इस ट्वीट पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, फायर है आपका ये ट्वीट, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, फिल्म में जारी वैधानिक चेतावनी को अनदेखा करने का नतीजा है। एक और यूजर ने लिखा कि पुष्पा मार भी खाएगा। वहीं एक और यूजर ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए लिखा कि कच्चा खिलाड़ी था। ऐसा थोड़ी होता है कि मूवी देखी और सोचा कि स्मगलिंग करते हैं। पुलिस ने भी सिम्बा सिंगम और सूर्यवंशी देख रखी है। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने चंदन की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा था, जिसमें तस्करों ने पुष्पा मूवी के अंदाज में नीचे लाल चंदन की लकड़ियां और उसके ऊपर फल रख दिया था। साथ ही ट्रक पर कोरोना के आवश्यक प्रोडक्ट का स्टिकर लगा था। आमतौर पर कोरोना काल में ऐसे स्टिकर लगे वाहन को पुलिस नहीं रोकती है। ऐसे में तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने इनपुट मिलते ही ट्रक को नाके पर रोक लिया और लाल चंदन के साथ साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।